के बारे में सबसे पहले आगाह करने वाले डॉक्टर ने तोड़ा दम। बीजिंग, चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण की सबसे पहले जानकारी देने वाले डॉक्टर ली वेनलियांग की गुरुवार को इसी महामारी के चपेट में मौत हो गई। बता दें कि वेनलियांग ने वायरस फैलने को लेकर आगाह किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें अफवाह फैलाने वाला करार देकर प्रताड़ित किया था। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 34 वर्षीय वेनलियांग ने अन्य डॉक्टरों को महामारी के बारे में चेतावनी दी थी। वेनलियांग ने अपने मेडिकल कॉलेज के साथियों को चीनी मैसेजिंग ऐप वीचैट पर बताया था कि स्थानीय सी फूड बाजार से आए 7 मरीजों का सार्स जैसे संक्रमण का इलाज किया जा रहा है और उन्हें अस्पताल के अलग वार्ड में रखा गया है। दुनिया बचाने को चीन ने एक प्रांत की दे दी कुर्बानी। उन्होंने बताया था कि टेस्ट में साफ हुआ है कि यह वायरस कोरोना समूह का है। इसी समूह के सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स वायरस भी है, जिसकी वजह से 2003 में चीन और पूरी दुनिया में 800 लोगों की मौत हुई थी। वेनलियांग ने अपने दोस्तों को कहा कि वे अपने परिजनों को निजी तौर पर इससे सतर्क रहने को कहें। उनका यह मैसेज कुछ देर में ही वायरल हो गया था। उल्लेखनीय है कि चीन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 563 हो गई है। इसके अलावा 28,018 लोग प्रभावित हैं, जिसमें ज्यादातर लोग वुहान से हैं। ऐप शेयर